करनाल के रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय में शुक्रवार का दिन जरूरतमंदों की मदद को लेकर खास रहा। इस मौके पर उपायुक्त एवं सोसाइटी के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 12 दिव्यांग बच्चों को व्हीलचेयर व 8 को तिपहिया साइकिलें वितरित की। 5 लोगों को कृत्रिम अंग भी वितरित किए गए, जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित जिला दिव्यांग कल्याण केंद्र में तैयार किए गए थे। उपायुक्त की ओर से जरूरतमंद बच्चों के साथ क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, खूब पढ़ा करो जैसे संवाद भरे शब्दों से व्हीलचेयर व ट्राई साइकिल प्राप्त किए बच्चों में एक उम्मीद व आत्मविश्वास की मुस्कान दिखाई दी। मानो कह रहे हो हम होंगे कामयाब एक दिन। बता दें कि सभी दिव्यांग अपने अभिभावकों के साथ आए थे। कुछ एक के साथ स्कूल के अध्यापक थे, अधिकतर टांगों से ही दिव्यांग थे। उपायुक्त ने सबके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और इस नेक कार्य के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव व उनकी टीम और सर्व शिक्षा अभियान की सराहना कर बधाई दी। उपायुक्त ने कहा कि इस तरह की मदद से बच्चों व जरूरतमंदों में आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है। आखिर दिव्यांग भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, वह भी सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते उनकी जरूरत अनुसार मदद की जाए। इसी मकसद को लेकर देश में रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था, जो आज अपने 101 वर्ष पूरे करने जा रही है और इस अवधि में लाखों जरूरतमंदों की मदद रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से की गई है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सरकारी स्कूलों में इस तरह के जितने भी जरूरतमंद दिव्यांग हैं, कोशिश करेंगे सबको व्हीलचेयर, ट्राई साइकिल और कृत्रिम अंग बांटे जाएं। उन्होंने बताया कि जिला दिव्यांग केंद्र, जिसकी वर्ष 1988 में स्थापना हुई थी, के माध्यम से आज तक 18,200 जरूरतमंदों को कृत्रिम अंग वितरित किए जा चुके हैं। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति, चाहे दूसरे जिले का भी हो, रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय में कृत्रिम अंग को प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकता है। ये सेवा सभी के लिए निःशुल्क है। इस अवसर पर नगराधीश अभय सिंह जागड़ा, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर कुलबीर मलिक, जिला बाल कल्याण अधिकारी विश्वास मलिक, डिप्टी DEO चंद्रेश विज तथा जिला दिव्यांग कल्याण केंद्र के बायोमेडिकल इंजीनियर अजय भाटिया भी मौजूद रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी जो लगातार काम करती रहती है, आज भी उनकी तरफ से एक बेहतरीन प्रयास किया गया। आज जिला रेड क्रॉस की तरफ से टोटल 8 ट्राईसाइकल्स और 12 व्हीलचेयर्स हमने जो हमारे दिव्यांग हैं उनको बांटी हैं। विशेष रूप से इस बार जो स्कूल के बच्चे हैं उनका चयन किया गया था, जो कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और दिव्यांग हैं। साथ ही साथ 5 लोगों को हमने आर्टिफिशियल लिम्स, जो हमारे यहीं पे करनाल में ही बनाए जाते हैं, वो भी दिए गए हैं। तो रेड क्रॉस जो हमारी सोसाइटी है, उसके सेक्रेटरी और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बड़ा पुण्य का काम है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भी हमारे सरकारी स्कूलों में, इवन प्राइवेट स्कूल्स में, जितने भी बच्चे हैं जिनको या तो व्हीलचेयर्स की, ट्राईसाइकिल्स की या लिम्स की रिक्वायरमेंट है, हम उनको किसी तरीके से पूरा करें, ताकि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूलों में पढ़ सकें। बच्चों में भी एक कॉन्फिडेंस आता है उनको इस तरीके से प्रशासन या सरकार से मदद मिलती है। बिल्कुल, इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनसे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है कि सरकार को उनकी फिक्र है और सरकार उनके लिए हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी इस प्रकार से हम मदद करते रहें। सर, आने वाली 3 मार्च को 101 साल पूरे होने वाले रेड क्रॉस सोसाइटी को कोई बधाई देना चाहेंगे उनको? बिल्कुल, पूरी रेड क्रॉस सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई। बड़े ही नेक उद्देश्य से सोसाइटी का गठन किया गया था और अभी तक हजारों लाखों लोगों की सोसाइटी ने मदद की है। हर जिले में इसकी इकाई होती है और पूरे हरियाणा प्रदेश में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में रेड क्रॉस सोसाइटीज़ ने लाखों लोगों की हेल्प की है, जिनके जरिए जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है। तो हमारी पूरी रेड क्रॉस की टीम को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई दूं। अभी पीछे एक DC सर की क्लास चल रही थी, यानी कि आपकी क्लास चल रही थी, तो ऐसे बच्चों की भी क्लास ली जाएगी या आप लेने का प्रयास करेंगे, ताकि उन्हें आप अपने करियर से जुड़ी हुई या तमाम जो जरूरत बातें होती हैं पढ़ाई के अलावा, उसके बारे में समझाया जा सके? बिल्कुल, एक नई पहल थी जो बस्ताड़ा गर्ल्स कॉलेज है, वुमेन कॉलेज है, वहाँ पे मुझे एक सेशन लेने के लिए बुलाया गया था और बड़ा अच्छा अनुभव था क्लासरूम एनवायरनमेंट में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। मैं कोशिश करूँगा कि जिले की पहले तो जितने भी और बची हुई कॉलेजेस हैं वहाँ पे इस पहल को कंटिन्यू करें, क्योंकि उस स्टेज पे जो बच्चे हैं, विशेष रूप से जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइडेंस की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो कोशिश करेंगे कि हम इसको सिस्टमेटाइज कराएँ और सभी प्रशासनिक अधिकारी, और ना केवल प्रशासनिक अधिकारी बल्कि बाकी वो सब लोग जिन्होंने अपने
करियर में अच्छा मुकाम हासिल किया है, उनको हम क्लासेस में बुलाएं ताकि उनसे बच्चे प्रेरित हो सके और गाइडेंस ले सके। शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.